गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आप निकालिए पेज नंबर 22। निकाला सबने पेज नंबर 22 की? क्या लिखा है? भाषा कौशल, मतलब हिंदी के बारे में, हिंदी के जानकारी लेंगे अपन। फर्स्ट वाला दिया, पढ़िए समझिए तथा मिलता जुलता एक और शब्द लिखिए। तो ये का और आधा का और खा मिलके क्या बनता है? ख। तो आधा का और खा वाला शब्द कौन सा लिखा है? ये मक्खी। तो हम एक और शब्द लिख लेंगे, नक्खी। ना आधा का और खा में बड़ी की मात्रा, खी नक्खी लिखा। फिर आधा ता और तामिल के त बनता है, क्या बनता है? त। तो पा आधा ता और तामे की मात्रा था, पत्ता। तो पत्ता से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? छत्ता। छ आधा ता और तामे, छ आधा ता और तामे की मात्रा था, छत्ता। फिर आधा ना और या मिल के क्या बनता है? न्य। तो ये लिखा है धन्यवाद। ना और आधा ना और या अनन्य, तो इसमें भी आधा ना और या आ रहा है। तो छत्ता अनन्य। अब कर जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उड़कर, उड़कर ऐसे लिखेंगे। देख प्लस कर, देख कर। सुन कर, सुन कर। खा कर, खा कर, खा कर। पढ़ कर, पढ़ कर। हंस कर, हंस कर। लिख लिया। अब दिया है पाठ में से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखिए। तो तालाब मतलब क्या होता है? तालाब का एक और क्या होता है? सरोवर। वन का क्या होता है? जंगल। वृक्ष का क्या होता है? पेड़। और दोस्त का क्या होता है? मित्र। तो कौन कौन से शब्द लिखे हमने? सरोवर, पेड़, जंगल, मित्र। पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। तो पहले आप इसको बुक में भर लीजिए। ये कौन सा पक्षी है? उल्लू। ये मोर, ये तितली, बतख, कौवा और ये चिड़ियाँ। तो ये पक्षियों के चित्र आपको कॉपी में भी चिपकाने हैं। तो ये चित्रों को आपको CW कॉपी में भी काट के पेस्ट करना है चार्ट में से, और उनके नीचे उनके नाम लिखना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।